हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जी के जीएस। शिवशंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड ए नर्सिंग के बारे में। ग्रेड ए नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, यानी ग्रेड ए नर्सिंग में आता है जीएनएम। जीएनएम के बारे में आज हम बात करेंगे कि पूरे बिहार में, जी हाँ, पूरे बिहार में जीएनएम का कितना कॉलेज है और किस कॉलेज में जीएनएम का कितना सीट है और टोटल सीट कितना है, बढ़िया से समझिएगा। वो भी गवर्नमेंट, प्राइवेट की नहीं बात करेंगे हम। जब भी बात करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, सरकारी की बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो जीएनएम का टोटल जो है ना, आपका 13 कॉलेज पूरे बिहार में। यहाँ पे आता आपका पहला नंबर पे पीएमसीएच पटना। पीएमसीएच अगर पटना की बात करें तो पीएमसीएच पटना में टोटल 66 सीट है जीएनएम वालों के लिए। जीएनएम ओनली बिहार में गर्ल्स के लिए दिया गया है, पारा मेडिकल के अंतर्गत गर्ल्स, गर्ल्स के अलावा बॉयज को नहीं दिया गया। एनएमसीएच पटना, इसमें भी 66 सीट है। फिर आपका डीएमसीएच दरभंगा, यहां भी 50 सीट दिया है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में टोटल जीएनएम का जो सीट दिया है 50 सीट दिया है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, यहां जो सीट दिया गया है जीएनएम वालों के लिए वो टोटल 66 सीट है। एएनएमसीएच गया, गया में जो सीट, गया डिस्ट्रिक्ट में जो सीट है एएनएम वालों को 45 सीट है। और जेएलएमएनसी भागलपुर, यहां दिया है सबसे ज्यादा 75 सीट। यानी कह सकते पूरे बिहार में भागलपुर में ही जेएलएमएनसी में ही आपका लगभग 75 सीट दे दिया है, और यह 75 सीट सब कॉलेज से ज्यादा दिया है। उसके बाद जीएनएम स्कूल सासाराम, जीएनएम स्कूल सासाराम में 60 सीट है। जीएनएम स्कूल जहानाबाद में 60 सीट है। जीएनएम स्कूल शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में 60 गो सीट है। और जीएनएम स्कूल सहरसा, सहरसा में भी 60 सीट दिया है। और जीएनएम स्कूल बांक, जिसका बोलते हैं बांका जिला, तो जीएनएम स्कूल बांका जिला में दिया है 60 सीट। और बक्सर जिला में है 50 सीट, और बेतिया में है आपका 40 सीट। तो सबसे कम जो दिया है बेतिया डिस्ट्रिक्ट में है, बेतिया जीएनएम स्कूल बेतिया, यहाँ 40 सीट है। बक्सर में 50 सीट है जीएनएम का, बांका में 60 सीट है, सहरसा में 60 सीट है, शेखपुरा में 60 गो सीट है, जहानाबाद और सासाराम में 60 सीट है। कम है फिर एएनएमसीएच गया, गया में 45 सीट दिया है। ये टोटल सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज का 758 सीट होता है। ये टोटल जो है 758 सीट है पूरे बिहार में जीएनएम का। और इसी सीट में जिनका नंबर आया है 250 प्लस आया है, उनको चांस बन जाती है एडमिशन हो जाने का। 250 प्लस जिनका गया है, समझ ले बात, चाहे एससी एसटी जिनका 250 प्लस आया है, आप देखिए 200 भी जिनका प्लस नंबर गया है वो स्टूडेंट काउंसलिंग जरूर करवाएंगे, और 250 प्लस गया वो भी करवाएंगे। शायद आपका 200 वालों को एससी एसटी वाला में भी आ जाए, 250 जिनका नंबर है उनका तो आएगा, इसलिए काउंसलिंग जरूर करवाएगा। काउंसलिंग का डेट आएगा तो हम बताएंगे कैसे कैसे करवाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।